दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपका खास प्रोग्राम प्रियंका स्पेशल। जी हाँ, अपने इस प्रोग्राम में आप सभी को बताते हैं कुछ जानकारियां, कुछ बातें, कुछ मुद्दे। कई बार हम आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी देते हैं, तो कई बार हम आपको हमारे जो भोजपुरी के वो उन स्टार के बारे में, उन सितारों के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री से हट गए हैं, लेकिन उनकी खबरें आनी बंद नहीं होती। कई बार हम आपको कुछ नई जानकारियाँ देते हैं और कई बार हम आप सभी को थोड़ी इंडस्ट्री से हट कर भी बातें करते हैं। जी हाँ, मैं आज सभी के लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा बहुत ही बड़े स्टार माने जाते हैं, कह सकते हैं कि हर कोई उनके अभिनय का, उनकी गायकी का दीवाना है, लेकिन अब वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बना चुके हैं और राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ मनोज तिवारी के बारे में। जी हाँ, मनोज तिवारी जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के तो सुपरस्टार हैं ही, लेकिन अब वो राजनीति क्षेत्र में एक सांसद बन चुके हैं, एमपी के पद पर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली का कमान भी संभाल रखा है। उनसे जुड़ी एक खास जानकारी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कहा गया है, जी हाँ, खबर है कि समाज के लिए वरदान है बेटियाँ, ये मनोज तिवारी का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है, आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, बेटियां वरदान होती है ऐसा उनका मानना है, मगर उन्हें उचित अवसर मिले तो ना सिर्फ बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित वो कर सकती हैं, बल्कि समाज के निर्माण में अनुभूतपूर्वक योगदान से मिसाल कायम कर सकती हैं। वह शास्त्री पार्क नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सामाजिक संस्थान आयोग के द्वारा वो वहाँ उस समारोह में शामिल हुए थे, जहाँ पर मनोज तिवारी ने बेटियों को वरदान कहा है। बिल्कुल ये बात सही है। अब तो हमारे इंडिया में ये भी ये लाइन बहुत तेज़ी से फैली है और लोगों के जहन में भी गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और पहले के मुताबिक अगर देखा जाए तो लड़कियों को काफ़ी कुछ बहुत कुछ करने को मिल रहा है, उन्हें बहुत कुछ अलग करने की वो कोशिश भी करते हैं और अब उन्हें मौके भी दिए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि समाज जो है वो बेटियों के, उन्होंने कहा कि आज समाज के हर क्षेत्र में बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के सृजन का आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं। सामाजिक उत्थान के लिए बेटा और बेटियों में भेदभाव को जड़ से समाप्त करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही से कहा है मनोज तिवारी ने कि आज के समय में हम बहुत 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और अगर जो आज की बात करें तो आप किसी भी एक पर्सन के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, आप लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय पर जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं और जो काम लड़कियां कर सकते हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। तो ये बात पर कोई दोराहा नहीं है, कोई नहीं, जो हमारे मनोज तिवारी जी ने बताया है कि बेटियाँ कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि वाकई में आज वो समय दौर आ चुका है जब लड़कियां अपने आप को सबसे ऊंचा मानने लगी हैं। आपको बता दें, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मील का पत्थर साबित हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऐलान किया था, जहाँ पर उन्होंने सभी को ये ज्ञान दिया था कि अपनी बेटियों को आप बचाइए और उन्हें पढ़ाइए भी, और इसी वजह से उन्हें उनके इस कहते हैं कि उनका ये जो योजना, उनकी ये जो योजना थी, उनकी जो ये बातें थी, वो लोगों के जहन में बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ गई है। उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्यों के लिए कई महिलाओं को और कई प्रतिभावान बेटियों को सम्मानित भी किया है। जी हाँ, कई बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें सम्मान दिया गया है, उनकी उनको बहुत ही खास तरीके से उनसे वो किया गया है। बताएंगे आपको, इस मौके पर जिला अध्यक्ष अजय महावर और कैलाश जैन, उपाध्यक्ष टीसी शर्मा भाजपा ओपीसी मोर्चा के प्रदेश, मतलब तमाम ऐसे जो लोग हैं वो इस समारोह में शामिल हुए थे और मनोज तिवारी ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं वाकई में सच है, कहीं ना कहीं ये इस बात पे गौर करने वाली हैं कि हम इंडस्ट्री की बात कर लें, समाज की बात कर लें या फिर माहौल की बात कर लें, हर जगह पर कहीं ना कहीं लड़कियों को दबना पड़ जाता था पहले के समय में। इंडस्ट्री में
बहुत सी ऐसी कम ही फिल्में बनी हैं जहां पर महिलाओं के दुख दर्द को उजागर किया गया, क्योंकि मैं हर बार कहती हूं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। जो आप दिखाते हैं वो जो आप जो समाज में होता है वो फिल्में दिखाती हैं, और जो फिल्मों में होता है वो शायद समाज देखता है। तो हमारी इंडस्ट्री में पहले तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत पहले से भी फिल्में कई बन रही हैं जो पर जो महिलाओं की दिक्कत थी, महिलाओं की जो परेशानियां थी वो फिल्में बनती थी, लेकिन खासा रिस्पांस नहीं मिलता था। लेकिन वही अब इन पर हर किसी ने गौर किया है। पहले ही चीज़ें सिर्फ फिल्मों में ही सिमट के रह जाती थी, रियल लाइफ में कोई नहीं इस्तेमाल करता था, रियल लाइफ में उस चीज़ को कोई भी लागू नहीं करता था। लेकिन अब समय बदला, लोग बदले, इंडस्ट्री भी, अगर जो हम बात करें तो इंडस्ट्री में भी ऐसे सामाजिक मुद्दों पर कई फिल्में बनती जा रही हैं, कई लोग हैं जो इस तरीके का काम इसमें कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे जो देश के बाकी के लोग जो हैं वो भी चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। और अगर जो राजनीति की बात करें, सामाजिक मुद्दों की बात करें, तो हर कोई मनोज तिवारी की तरह ही सोच रखता है। और मनोज तिवारी ने खुद भी बहुत से ऐसे गाने हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने बेटियों के ऊपर गाया है, बेटियों को के लिए उन्होंने खास तौर पर बहुत ही, ऐसा नहीं है वो राजनीति में ही पहली बार राजनीति में ही आए हैं तो उन्होंने इस चीज़ के लिए शुरुआत की है, वो सक्रिय हुए नहीं। इसके अलावा भी मनोज तिवारी इंडस्ट्री में रहने के बावजूद वो सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक बातों पर, बेटियों पर हो रहे अत्याचारों पर, उन्होंने सारी चीज़ों, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, हर चीज़ में मनोज तिवारी ने एक गाना गाया है। और अपनी आवाज़ को और लोगों के दुखों को, लोगों के दिल की बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से उन शब्दों को मोतियों की तरह पिरो कर एक माले में तैयार करके उन्होंने इस गीत को गाया है, जो कि हमेशा उन्हें हमेशा दर्शकों को पसंद आता रहा है, हमेशा दर्शकों की तरफ से उसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। और अब देखिए, जब वो राजनीति में जा चुके हैं, राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तो अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो महिलाओं को, देश की बेटियों को आगे बढ़ाएं, और कुछ उनके साथ कुछ ऐसा हो कि वो बेटियों के कुछ समाज में ऐसा हो कि बेटी बेटियों में फ़र्क करना लोग बंद कर दें। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, आपके लिए और समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मनोज तिवारी में अगर बात करूँ दोबारा से, तो मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा से हीरो थे, हैं और शायद वो रहेंगे, क्योंकि उनसे भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं छूटने वाली। उनका कहना है भोजपुरी इंडस्ट्री से ही उनकी पहचान बनी थी, और जब तक वो रहेंगे तब तक वो भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़रूर काम करेंगे। अभी हाल ही में उनका फिल्म आने वाला है बनारस पान भंडार, जो कि बहुत ही अच्छे मूवी की तरह कहा जा रहा है। उसका पहला लुक भी आ चुका है, लेकिन ये कब तक रिलीज़ होता है, कब तक इसकी डिटेल्स आ पाते हैं, ये हम आपको समय आने पर बताएंगे ज़रूर। अब बात करते हैं दर्शकों की। हमारे पास लास्ट जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमारे पास पहला कमेंट आया है लव कुमार का। लव कुमार ने मैसेज लिया, लव कुमार अवार्ड से क्या मतलब है, सभी जानते हैं और जानबूझकर किया गया है पवन सिंह के साथ, पूरी जनता है, एक अवार्ड नहीं मिला तो क्या हुआ। जी हाँ, दम तो सिर्फ पवन सिंह के अंदर ही है, ये बात पूरी जनता जानती है। भोजपुरी में अगर पहले नाम दिया जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पवन सिंह है, और उनको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, ये लव कुमार जी का कहना है। और दरअसल अवार्ड शो को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोग कह रहे हैं, लोगों के कई लोगों का ये भी कहना है कि ये अवार्ड शो फिक्स था, इसलिए फिक्स होने की वजह से यहाँ पर लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, अवार्ड मिले हैं। लेकिन हम इस खबर पे पुष्टि नहीं करते, लेकिन जहाँ तक इन्होंने जिस तरीके से बात कही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये खबर नोटिस करने वाली है, बात करने वाली कि आखिरकार क्या वाकई में जो ये कह रहे हैं वो सही है। वैसे तो पवन सिंह भोजपुरी के स्टार हैं और रहेंगे वहीं पर। हमारे प्रोग्राम में अगला मैसेज जो है वो है अमित कुमार का, जिन्होंने लिखा है जियो कल्लू भैया, उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम पे कमेंट किया है, इसे पसंद किया है, ऐसे ही कमेंट लाइक करते रहिए, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। और हाँ, हमारे प्रोग्राम में कोई भी मुद्दा आपको जोड़ना हो या बताना हो या आपको डिस्कशन करना हो, सजेशन देना हो, तो आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के ज़रिए लिखकर पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आप सभी को आपके प्रश्नों के सभी जवाब दे सकें। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम बड़ी खबर को जानने के लिए आपको हमारा चैनल यानी नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया को देखना होगा, जहां पर आपको इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम बड़ी खबर तो बताते ही हैं, और सबसे पहले
कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट और शेयर कीजिए, और कमेंट लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और कोई सजेशन देना हो वो भी लिख सकते हैं। और हाँ, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक मिल सके। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।